हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो संजीर ब्लॉग्स और मैं हूँ संजीर आलम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही अहम बात है जो कतर में जो लोग रहते हैं या आने वाले हैं उन लोगों को, जिसमें सैलून और ड्राइविंग स्कूल है बहुत सारे हैं, जिनको जितने भी पाबंदी कतर में लगाई गई है वो पाबंदी हटा ली जाएगी। अब कौन कौन सी पाबंदी हटा ली जाएगी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको कतर की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे मेरा मोबाइल बगल में, इसमें आपको ये 28 जो पहला फेज है 28 तारीख से होता है, स्टार्ट होता है 28 मई 2021 से। इनमें किन किन चीजों को खोला जाएगा आप बता दें। आपको सोशल गैदरिंग के बारे में, सबसे पहले तो सोशल गैदरिंग में केवल 5 ही लोग रह सकते हैं इंडोर में बंद जगहों पर, और ये भी 5 लोग वैक्सीन लिए होंगे। अगर खाली जगहों की बात कर ले खुली जगह की, तो यहाँ पर 10 लोग रहेंगे और 10 लोग वैक्सीन वाले, 5 लोग बिना वैक्सीन लिए हुए भी रह सकते हैं। अगर मस्जिद की बात कर ले तो मस्जिद जैसे अभी है वैसे ही ओपन रहेगा। यहाँ पर 12 साल के जो बच्चे, ये अलाउ नहीं होगा। पहले में जो बंद है वजू खाना, वो बंद ही रहेगा। अगर शादी की बात कर ले ये अभी जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर आपको बता दें आगे जो बोर्ड होते हैं नाव होते हैं वो फिलहाल जैसे अभी चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अगर प्राइवेट की बात कर ले जैसे किसी का अपना है उसमें भी 10 लोग रह सकते हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लिए होंगे, 4 लोग ऐसे हैं होंगे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए होंगे। और यहाँ पर जितने भी स्टाफ होंगे उन सबों को वैक्सीन लेना जरूरी है, बिना वैक्सीन वाले स्टाफ नहीं रह सकते हैं। अगर मेट्रो और बस की बात कर ले तो इनको 30% कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। पर यहाँ पर आज एक और अपडेट की गई है, जो जुमा और शनिवार के लिए बंद रहता था इसको ओपन कर दिया जाएगा। उसमें जो स्मोकिंग एरिया है वो बंद रहेगा, खाने पीने वाले ये सारे एरिया बंद रहेंगे, अंदर में नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग भी ड्राइविंग स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, 28 मई से ड्राइविंग स्कूल चालू कर दिया जाएगा 30% कैपेसिटी के साथ में। यहाँ पर जो भी वहाँ पर सिखाने वाले या ऑफिस में, इन सबको वैक्सीन के दोनों डोज लिए होने जरूरी है। और पार्क, कॉर्निस और बीच की बात कर ले तो यहाँ पर जो स्मॉल फैमिली होते हैं इन लोगों को, जिसमें 5 मेंबर है, इन लोगों को अलाउ होगा। ये लोग एक जगह जमा हो सकते हैं। और प्राइवेट जो बीच है ये 30% कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। अगर स्पोर्ट और ट्रेनिंग की, स्पोर्ट टीम और ट्रेनिंग की बात कर ले तो इन लोगों को भी MOPS से अप्रूवल लेना होगा अगर कुछ भी कराने के लिए। और यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेनिंग जो प्रोफेशनल अलाउ है इसको अलाउ कर दिया गया है, जो इंडोर आउटडोर दोनों में अलाउ रहेगा। वैक्सीन लिए हुए लोग ही ये सब कर सकते हैं, बिना वैक्सीन वाले खुली जगहों पर, 5 लोग बंद जगह पर। अगर लोकल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट की बात कर ले तो यहाँ पर ये जैसे अभी है उसमें 30% के साथ ये करा सकते हैं। यहाँ पर जो बंद जगह है वहाँ पर अलाउ नहीं होंगे, देखने वाले लोग अलाउ नहीं होंगे। खुली जगह पर 30% के साथ लोग जा सकते हैं। अगर पढ़ाई की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले तो यहाँ पर 30% के साथ खोला जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग 2 दिन जाएंगे, कुछ लोग 4 दिन जाएंगे, ऐसा रहेगा। और आगे बात कर ले स्पेशल नीड सेंटर की तो यहाँ पर ये वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खुला जाएगा। और आगे प्राइवेट एडुकेशनल सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात कर ले तो 30% के साथ खोला जाएगा, पर यहाँ पर भी वैक्सीन वाले ही लोग रह सकते हैं, जो सिखाएंगे वो लोग वैक्सीन लिए होंगे। और नर्सरी और चाइल्ड केयर की बात कर ले तो इसको 30% के साथ खोला जाएगा, पर वहाँ पर जितने लोगों ने वैक्सीन ले लिए हो। और वर्क प्लेस की बात कर ले तो यहाँ पर ये 50% के साथ कंटिन्यू रहेगा, पर यहाँ पर भी जो मीटिंग होता है वो फिलहाल बंद था, इसको खोल दिया गया है। जो यहाँ पर 15 लोग मीटिंग कर सकते हैं, पर इन लोगों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लिए होने जरूरी है। और आगे बात कर ले तो यहाँ पर जो आपको कॉन्फ्रेंस है, इवेंट है, ये सब फिलहाल बंद रहेगा। म्यूजियम और लाइब्रेरी की बात कर ले तो ये 30% के साथ खोला जाएगा। म्यूजियम, लाइब्रेरी, शॉपिंग सेंटर की बात कर ले
तो ये 30% के साथ कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर जो फूट है वो डिलीवरी का जो पहले अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर 12 साल से उम्र के ज़्यादा बच्चे को अलाउ रहेगा, बस उससे नीचे का अलाउ नहीं है। और जो फेमस मार्केट है उसकी बात कर ले, जैसे सुख व गप हो गया और सुख हो गया, सुखदीरा हो गया, ये सब अभी जुमा और शनिवार को बंद रहता है। तो फिलहाल ये मार्केट 30% के साथ काम करेगा, पर यहाँ पर जुमा और शनिवार के लिए दोनों को खोल दिया जाएगा। यहाँ पर भी 12 साल से नीचे के नहीं जा सकेंगे। अगर होलसेल मार्केट की बात कर ले तो यहाँ पर 30% के साथ खुला रहेगा, यहाँ पर भी 12 साल से नीचे के नहीं जा सकेंगे। और रेस्टोरेंट कॉफी शॉप की बात कर ले तो यहाँ पर 30% के साथ आउटडोर में डाइनिंग का जो टेबल होता है वो लगा सकता है, और इनडोर में केवल वही लोग लगा सकते हैं जिन लोगों ने क्लीन कतर के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर जाएंगे इन सभी कस्टमर ने वैक्सीन ले लिए होने चाहिए। आगे आपको बताऊंगा वैक्सीन लिए लोगों में कैसे पहचान की जाएगी। सिनेमा और थिएटर की बात कर ले तो ये चालू कर दिया जाएगा 30% कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर भी जितने भी लोग जाएंगे वैक्सीन लिए हुए लोग ही जा सकेंगे, और यहाँ पर 16 साल से नीचे के नहीं जा सकते हैं बच्चे। और हॉस्पिटल और क्लिनिंग की बात कर ले तो यहाँ पर भी जो क्लिनिंग जो घरों में आके करते हैं या हॉस्पिटल में क्लिनिंग का काम करते हैं जिनका कंपनी है वो चालू रहेगा 30% के साथ में। ये लोग भी जो वर्किंग टाइम होते हैं उसी टाइम करेंगे, जो वह उसी टाइम कर सकते हैं वर्किंग टाइम में ही काम करेंगे। और जो जाएंगे किसी घर में या हॉस्पिटल में उनको वैक्सीन लेना जरूरी है, बिना वैक्सीन वाले नहीं जा सकेंगे। जिम और ट्रेनिंग क्लब की बात कर ले तो इनको अलाउ कर दिया गया 30% कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर भी जितने भी कस्टमर जाएंगे वैक्सीन वाले ही जा सकेंगे। और यहाँ पर अच्छी बात एक और यह है, जो सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, इन सबको खोल दिया जाएगा 30% कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर जो कस्टमर पर काम करने वाले लोग हैं जितने भी दुकान में, इन सभी को वैक्सीन लेना जरूरी है। दोनों को वैक्सीन लेना जरूरी है तभी आप लोग अलाउ कर सकते हैं, सैलून में जाकर के बाल कटवा सकते हैं। यहाँ पर दोनों को कहा गया है, कस्टमर और यहाँ पर काम करने वाले दोनों लोग वैक्सीन लेने जरूरी है। तो अभी आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन के लिए अप्लाई कर दे। आपको मैं अपॉइंटमेंट कैसे ले ऑनलाइन, आपको कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा अपॉइंटमेंट कैसे ले ऑनलाइन। उसके बाद आपको आगे इस वीडियो का जो दूसरा तीसरा पार्ट है वो आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो आगे आपको बता दे, बार्बर शॉप के लिए बता चुका हूँ, यहाँ पर सभी लोगों को वैक्सीन लिए होने चाहिए, कस्टमर और वहाँ पर काम करने वाले लोग। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क होते हैं यहाँ पर 30% के साथ काम करेगा खुली जगह पर, और बंद जगह पर 20% के साथ। और यहाँ पर भी वैक्सीन लिए हुए लोग ही अलाउ होंगे। अभी कतर के अंदर जितने भी जो 28 तारीख से खोला जाएगा इसमें ज्यादातर वैक्सीन लिए हुए लोगों के लिए ही अलाउ है। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए होंगे उन लोगों को अलाउ बहुत नहीं है, कहीं कहीं अलाउ दिया गया है दो तीन जगहों पर, नहीं तो कहीं अलाउ नहीं है। अगर आपको इंटरटेनमेंट सेंटर की बात कर ले, ऐसे मनोरंजन पार्क की बात कर ले तो वहाँ पर 30% के साथ खोला जाएगा और आउटडोर में, और अगर बंद जगह पर है तो वहाँ पर 20% के साथ यहाँ पर भी वैक्सीन लिए लोग ही जा सकेंगे। और आपको बता दें इसका दूसरा और तीसरा फेज आपको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें जो लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए होंगे उन लोगों की पहचान के लिए जो एतराज होता है, अभी आपका आपने वैक्सीन नहीं लिया होगा तो आपका एतराज इस तरह होगा, अगर आपने वैक्सीन ले लिए होंगे तो आपका एतराज का जो लाइनिंग है ये गोल्डन हो जाएगा साइड का, ऐसा आपको दिखने में आएगा। अभी गोल्डन हो जाएगा आपका एतराज, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको देखते ही पहचान लिया जाएगा कि आपने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। इसमें कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं, आपके एतराज से मालूम पड़ जाएगा आपने वैक्सीन लिया या नहीं लिया। तो दोस्तों आज की थी यह वीडियो, अगर आपको इन सारे अपडेट में कौन से अपडेट अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारे जो अभी आपने बताया ये रूल लागू होता है 28 मई 2021 से, यानी पहला जो पाबंदी हटाने का जो मरहला है वो 28 मई से लागू होता है। दूसरा तीसरा मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दे और साथ साथ लाइक भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।